ये गाड़ी की वजह से आ रहे हैं, धूप की वजह से आ रहे हैं भाई। ड्रैग रेस के लिए गाड़ी आ चुकी है पीछे। काली शीशे ही पसंद है। जैसे आपको पता है हमारे साथ है एक महिंद्रा का छोटा सा बीस्ट। इसे मैं छोटा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बहुत कम बजट लाइन के अंदर आता है, वरना है तो ये काफ़ी ह्यूज। तो इसको लिए मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो आज मैं एक ओनरशिप रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जस्ट तो देख बताने के लिए लोगों को कि मेरा इसको 2500 किलोमीटर चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ। थोड़ा यार गाड़ी की डिटेल के बारे में बताओ। मैं पहले मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सो भाई ये है स्कॉर्पियो एन Z8L पेट्रोल मैनुअल। अच्छा, ये पेट्रोल मैनुअल का टॉप एंड वेरिएंट है। थोड़ा सीटिंग के बारे में बताओ कि मुझे सीटिंग के बारे में जानना था कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो में काफी फर्क था सीटिंग में। हाँ, हाँ। और इस वाली में काफी फर्क है, तो क्या इम्प्रूवमेंट है वो बताओ थोड़ा सा। इम्प्रूवमेंट यार कम्फर्ट के अंदर काफी अच्छा आ गया है इसके अंदर। जैसे इन्होंने सस्पेंशन चेंज करी है, मेन तो सस्पेंशन का खेल है। गड्ढों में आती है सीट वीट सारी वही लगा के देते हैं। क्लासिक में भी वही सीट है, इसमें भी वही चीज। 19-20 का जो छोटा मोटा फर्क है वो है, जो मेन है सस्पेंशन का फर्क है, जिसके चक्कर में ज्यादा गड्ढे फील नहीं होते। अच्छा भाई को रोल नहीं मारती इतनी। भाई को काफी पसीने से आ रहे हैं, दोबारा हाथ मिलाओ। ये गाड़ी की वजह से आ रहे हैं, धूप की वजह से आ रहे हैं? धूप की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब रिफाइंड इंजन है? चलने में कैसा है? पिकअप कैसा है इसका? पेट्रोल का मैंने पहली बार महिंद्रा का इंजन चलाया है पेट्रोल में। शायद उन्होंने पहले निकाला भी नहीं किसी यूज गाड़ी के अंदर। छोटी गाड़ी में वैसे भी नहीं खेलती है ये। हाँ, नहीं खेलती। तो पेट्रोल के हिसाब से मैं तो आज तक कभी सुना है भाई महिंद्रा की सेडान आई है? सुना कभी? मैं वही पूछ रहा हूँ। तो बस फिर नहीं खेलती खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। छोटी गाड़ियों में माफ कर देना भाई को, बहुत गंदा जोक मारा है इसने भी। वो इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात चल रही थी? अगर जिसको जोक पसंद नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। अरे भाई, तो इसके अंदर है 2000 सीसी का एम स्टैलियन का इंजन दिया हुआ है महिंद्रा ने, टर्बो चार्ज। ओके, तो बेसिकली टर्बो चार्ज इसकी पावर 300 से 400 सीसी मेरे हिसाब से बढ़ा देता है। तो पिकअप तभी इसका डीजल वाली से ज्यादा अच्छा है, मतलब जो इसकी पीएच पावर दे रखी है। अच्छा, डीजल से अच्छा पिकअप है इसका? अच्छा है। आपने चलाई भाई, आपको ज्यादा बताओगे? मतलब मैंने भी चलाई है पर ऐसा पिकअप नहीं उठाया मैंने। फिगर्स है जो कंपनी फिगर है, तो उन्होंने पीएच पावर की दे रखी है, वो पेट्रोल की ज्यादा है एज कंपेयर टू डीजल। ओके, सही है सही है। बाकी क्या भाई, क्यों क्या सोच के पेट्रोल लिया था? मतलब लोग ज्यादा बड़ी गाड़ियों में डीजल की तरफ जाते हैं। यार मेरे को स्टार्टिंग से पेट्रोल इंजन ही पसंद है। अच्छा, रिफाइंड होता है? एक कार भी मैंने डीजल नहीं रखी है। क्या रीजन है? मेरी वैसे भी रनिंग कम होती है, डीजल भी रखो तो डेली काम के लिए अगर चल रहे हो तो हमारी गाड़ी तो डीजल यार अगर हम वैसे मतलब लेके चले वो फैक्टर भी कि 10 साल में बंद हो जाती है डीजल। हाँ यार ये भी है। रीसेल वैल्यू अगर आपको 5 साल में बेचनी है तो रीसेल वैल्यू खत्म है आपकी गाड़ी की, कीमत पूरी खत्म हो जाएगी गाड़ी की लाइफ की। हम 10 साल ना भी सोचे कि चलानी है वो सेकेंडरी बात है। हाँ सेकेंडरी बात है, वैल्यू 5 साल जिने बाद चला के बेचती है जिन बंदों को, उनके लिए तो फायदा नहीं ना लेने। वो 22 लाख क्या, वो आप 5 लाख की भी गाड़ी दे रहे हो, आपके दिमाग यही होगी भाई रीसेल वैल्यू तो बनी रहे उसकी। लोग मारुति की तरफ क्यों जाते हैं? यही रीसेल वैल्यू रीसेल है, एवरेज अच्छी देती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी मैनुअल का ये रीजन था भाई, मैनुअल भी आपने लिए? भाई मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरे को गाड़ी कंट्रोल करे। अच्छा, गाड़ी का हर गियर मेरे हाथ में कंट्रोल हो मुझे। तो एक्सयूवी 700 का तो बिल्कुल नो होगा आपका, बिग नो। मैंने एक्चुअली मेरा कोई लेने का प्लान ही नहीं था स्कॉर्पियो एन, जब मैं महिंद्रा में पहली बार गया था गाड़ी बुक कराने के लिए, तो मैंने 700 ही बुक करवाई। 700 से पहले मैंने बहुत धक्के खाए। मैंने पता है ये चीज देखी है, महिंद्रा में बंदा गाड़ी को ही और लेने जाता है, लेकर कोई और आता है, क्योंकि क्योंकि वो डिलीवरी में टाइम इतना दे देते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह ऑप्शन नहीं होता किसी। अब एक मेरा जानकर है, आपको मैंने शायद बताई थी करण जी, आपको मैंने वो बात बताई थी ना कि एक बंदा स्कॉर्पियो एल लेने गया था पर वो थार ले आया था, क्योंकि थार की डिलीवरी 1 महीने में दे दी उन्होंने। तो जब मैं इसको लेने के लिए गया था, और ये 7 सीटर थार मान के चलो 2 सीटर। आपने कसम खा रखी है बात काट के बात करने की, आपको तमीज नहीं सिखाई आपके इमोशनल डैमेज घर वालों ने। तो यार जब मैं इसको लेने के लिए गया था तो मेरे को भी कंपनी वालों ने बोला था कि थार आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगी, और टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा वेटिंग का मेरा भी मन नहीं था। मैं भी फाइनलाइज करने वाला था कि अब चल ये भी नहीं मिल रही मेरे को तो मैं थार ही बुक करा लो, बट किस्मत थी कि फर्स्ट 25,000 में नंबर आ गया, वरना अगर उसमें मेरा नंबर नहीं आता तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी 1 साल या फिर 6 महीने भी वेट नहीं करता। अच्छा, मेरे को चाहिए थी ऑन द स्पॉट गाड़ी चाहिए थी। और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, मतलब मेरा क्वेश्चन या फिर हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन यही होगा कि भाई स्कॉर्पियो एन क्यों, स्कॉर्पियो क्लासिक क्यों नहीं भाई? ये मतलब ये तो यार अगर आप लोगों ने इसकी स्पेसिफिकेशन और क्लासिक की स्पेसिफिकेशन पढ़ी हुई है, पर बहुकाल तो भाई उससे ही मस्ता है यार। बहुकाल के हम दिमाग लेके भी चलना है ना अपना, बहुकाल का हमें काम ही नहीं है, हमें दिमाग। चलो भाई ड्रैग रेस के लिए गाड़ी आ चुकी है पीछे। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कर। माय गॉड गाइस, देख रहे हो पूरी टक्कर की गाड़ी आ गई है ऑफ रोडिंग करने के लिए। 7 सीटर तो इस ये हटाया जाए कि ये गाड़ी ही क्यों, क्योंकि भाई इसके प्राइस रेंज के अंदर और कौन सी गाड़ी मिलेगी आपको 23-24 लाख रुपए के अंदर
आपको कौन सी इतनी ह्यूज गाड़ी कौन सी कंपनी देगी? आप मेरे को एक नाम बता दो। नहीं दे पाएगी। महिंद्रा ही दे पाएगी। महिंद्रा ही दे पाएगी। 700 एक तो मेरी नहीं। अच्छा, हमको सिखा रही है इंडिया, इंडिया को सपोर्ट करना है। गाड़ी पेट्रोल इंजन में दे रही है कंपनी। हाँ। और प्लस में एवरेज भी, मतलब जो मेरी लास्ट कार थी नेक्सॉन, उससे ज्यादा एवरेज देती है ये पेट्रोल। हाँ। में वो कुछ एवरेज ही नहीं देती थी। तो यार मैं कहूंगा स्कॉर्पियो एन क्यों नहीं। वो बात तो ठीक है, पर लोग कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन जो है डिलीवरी में इतना टाइम ले रही है महिंद्रा, इससे बढ़िया हम कोई और गाड़ी ले ले। टाटा हैरियर ले ले, टाटा सफारी ले ले। हैरियर देखो, आप टाटा पे जाओगे तो वो सिर्फ डीजल में देती है गाड़ी। हाँ। जैसे मैं तो पेट्रोल इंजन का शौकीन हूँ, तो मैं तो कतई नहीं जा सकता। मैं खुद टाटा ओनर था इस गाड़ी से पहले। अच्छा, लेकिन पेट्रोल इंजन। अच्छा, आपने अगर ये डीजल वगैरह की बात करी है, डीजल पेट्रोल की, तो आपको एक गाड़ी लेते हुए भाई आपने क्या देखा? मतलब स्कॉर्पियो आपने चूज तो कर ली, आपका मेन फोकस किस चीज पे था? गाड़ी लेते टाइम आपने क्या नोटिस करी चीज कि आपको यही लेनी है? मेरे को ये था कि यार मैं तो 700 लेने निकला था। मैं मार्केट ढूंढने निकला, मैं हेक्टर, सफारी, हैरियर, मैंने सारी गाड़ियां छान ली थी। इवन एल्काज़ार भी देख के आया था। वो प्राइस रेंज और इसकी प्राइस रेंज में मैं तो खुद दंग रह गया था। महिंद्रा के शोरूम में देख के कि ये क्या चीज खड़ी कर दी इन्होंने। हाँ। कि मतलब यार इतने कम प्राइस रेंज के अंदर इतनी अच्छी चीज, इसमें क्या चीज नहीं है। तब ये गाड़ी लॉन्च कब हुई थी जब आप देखने गए थे? तब नहीं हुई थी। तब नहीं हुई थी। तब नहीं हुई थी जब मैं 700 बुक कराने गया था। हाँ। लॉन्च भी नहीं हुई थी। लॉन्च भी नहीं हुई थी। आपने डेट मेरे को मिली थी 1.5 साल की। अच्छा। कंपनी वाले से थोड़ी बात हुई थी मेरी। तो, अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आप XUV 700 लेने गए थे ना? हाँ। तो आपका बजट क्या था भाई जब आप इसको लेने गए, और किस बजट में पड़ गई? मेरा बजट तो 25 के आसपास का था। 25 का था। हाँ। तो हम कह सकते हैं आपको मोटी पार्टी। चले एक काम कर, 200 दे और 50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाड़ी मुझे 2-3 महीने के अंदर चाहिए। एक मेरे को छोटी सी बात बताना, नेक्सॉन की रीसेल वैल्यू भाई आपने तो बेची है, और कितने साल बाद बेची है? भाई मैंने नेक्सॉन 3-4 साल चलाई होगी। अच्छा, जब वो न्यू लॉन्च हुई थी तब ली थी, और तो मैंने अभी पिछले साल ही बेची है उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्सॉन में मैं ही बैठा हूँ। 30-40% का मेरे को गिराव दिखा था, मुश्किल से 35% का। अच्छा, बाकी मेरे को अच्छे रेट पे ही गई है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एवरेज की बात भी करी थी, तो भाई आप इसको चलाते कहाँ पर हो? सिटी में चलाते हो या फिर मेनली हाईवे पे चलती है गाड़ी? मेरी हाईवे भी चलती है, सिटी में भी चलती है। अच्छा, मेरी रनिंग वैसे कम रहती है। रनिंग मतलब कहाँ पे है? हाईवे पे ज्यादा है? हाईवे पे, नोएडा। आपको उसमें तो भाई नेक्सॉन भी अच्छी एवरेज देती होगी? नहीं देती भाई, क्योंकि नेक्सॉन थी 3 सिलेंडर कार। ओके। हाँ, वो 3 सिलेंडर कार थी। टाटा ने गाड़ी तो बहुत अच्छी, पर क्लेम वो भी अच्छी ही करते है उसकी, की एवरेज बढ़िया ही देगी वो कार। भाई बिल्कुल अच्छी एवरेज नहीं है। बाकी इसका भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह बताओ मेरे को कैसा रहा? भाई एक तो इसको चलाते हुए ऐसा लगता है कि रोड पे पूरी विजिबिलिटी है, कि मतलब आप बिल्कुल हेड टॉप बैठ के। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि जब बैठते हैं ना भाई, मेरे को ऐसा लगता था वहाँ बैठ के कि नहीं नजर आता होगा। नहीं नहीं, सब नजर आता है। पर भाई ऐसा लगता है बिल्कुल ही, एक तो शीशे बहुत बड़े बड़े, साइज अच्छा दे रखा है इसमें काफी। बाकी शीशे काले करवा लिए बंदे ने, वो फालतू की हवाबाजी के चक्कर में। अगर ढंग तो गेम बचाना का ड्राइवर होगा ना जो, वो खुले में ही चलाएगा, क्योंकि मजा आता चलाने में। वैसे भी यार सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको पसंद काले है। शीशे पसंद है वो उसको। नहीं, मुझे भी काले शीशे ही पसंद है। जो रख पाते हैं वो रखते हैं, जो नहीं रख पाते वो फिर ऐसी बातें करते हैं। चलो कोई नहीं भाई, हम एडिट भी कर देंगे इन बातों को। आपने मुझे बताया कि पहले आपके पास नेक्सॉन थी, आप नेक्सॉन से इसमें अपग्रेड करा आपने, तो आपको क्या चेंजेस दिखे? थोड़ा बहुत बताओ मतलब हमारे व्यूअर्स को, कि अगर वो भी एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं तो क्या फायदे और क्या नुकसान है? देखो फायदा तो बहुत है यार, नुकसान तो भी बहुत है। नुकसान तो बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। इनकी दिक्कत गलियों में लेके जाना। सबसे पहले तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। बजट बढ़ेगा तभी बड़ी गाड़ी आएगी, वरना तो फिर वही है। बाकी नेक्सॉन से इसमें आने के बाद स्पेसिफिकेशंस में बताओ थोड़ा ना, मतलब टेक्निकल अगर चीजों पे जाते हैं हम, तो क्या आपको चेंजेस लगे इसमें? तो इंजन ही डबल आपको साइज का मिल जाएगा। उसमें कितने सीसी का था? 1.2 सीसी का इंजन था, टर्बोचार्ज था उसका। हाँ। इसका है 2000 सीसी का इंजन है, दोनों ही टर्बोचार्ज, दोनों ही पेट्रोल। प्लस में वो थी, मैं आपको अंदर से दिखाता, वो भी मैनुअल थी है ना? वो भी मैनुअल थी, मैं मैनुअली चलाता था, मेरे को बहुत मैनुअली पसंद है। एक तो इसका इंटीरियर उससे बहुत ही ज्यादा क्लासी है नेक्सॉन से। नेक्सॉन का थोड़ा लगता है कि आउटडेटेड सा हो गया, लेकिन इसका काफी प्यारा लगता है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। और प्लस जब मैंने नेक्सॉन ली थी, नेक्सॉन जब आपने ली थी वो टाइम भी काफी पहले था ना, उस टाइम महिंद्रा भी ऐसी गाड़ी निकाल रहा था। महिंद्रा उस टाइम पे सनरूफ भी नहीं दे रहा था यार, कुछ नहीं दे रहा था, 5 डबलों में सनरूफ आता था। जी हाँ जी, उस टाइम महिंद्रा इतनी वो निकाल ले रहा था। बाकी इसका है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, उसका था नॉर्मल पावर स्टीयरिंग। वो तो वो टाइम था भाई, अब तो उसमें भी इलेक्ट्रिक आएगा। आप उससे पूछते हो कि उस गाड़ी उस बारे में क्या? हाँ हाँ, मतलब आज के टाइम अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट चीजें बराबर, स्पेसिफिकेशंस बराबर रहेगी। इंजन वगैरह को छोड़ देगा, हैवीनेस को छोड़ दे थोड़ा सा, बाकी अंदर से अगर फीचर्स वगैरह देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर, एक दो हो सकता है ऊपर ही हो नेक्सॉन में, कम नहीं होगे। हाँ नहीं, अब जो नई वाली आई है उसमें तो काफी दे दी है। अब तो नया मॉडल भी आ रहा है उसका। हाँ, नया मॉडल भी आ रहा है उसका। हाँ, फीचर इसमें भी बहुत है यार, इसमें भी कम नहीं है। बाकी आपने कंट्रोल एट्रोनॉक्स फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वो भाई मैं देख के हैरान हो गया था कि स्कॉर्पियो में ऐसे फीचर। हाँ, कमाल है यार, मैं खुद हैरान था भाई जब, मतलब मजा आ गया मिल रही थी। हाँ, और चलाने में भी बढ़िया, रिफाइंड रिफाइंड कर दिया एकदम, मतलब एक फैमिली कार बन चुकी है अभी। हाँ, कह सकते हैं। अगर आप शीशे काले करवा लो, शीशे काले करवा लो तो भाई अपने दोस्तों की कार,
और शीशे करवा लो, हटवा लो काले, तो अपनी फैमिली कार। नहीं फैमिली कार शीशे काले में भी हो सकती है, ऐसे क्या फैमिली नहीं, वाले मतलब नहीं फैमिली थोड़ा भाई इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करती है ना, शीशे काले क्यों है भाई, तुम बदमाश फैमिली से हो। मतलब आपको मैं सिखा। बाकी भाई टाटा जो आपके पास नेक्सन थी उसका साइज भी थोड़ा छोटा था और टायर साइज भी छोटा था, तो बड़े टायर साइज में आपको क्या फायदे दिखे? यार ये भी टायर साइज छोटा, मतलब मैं लोगों को मजबूर कर रहा हूँ एसयूवी लेने पे। वो करो भी भाई क्योंकि बढ़िया रहती है एसयूवी। नहीं सारे ले लेंगे तो भाई पार्किंग की जगह नहीं रहेगी ना। व्हाट तो वो चीज है। बाकी भाई तो यार इसका भी छोटा है, इसकी भी टायर बड़ी करनी है क्योंकि ये महिंद्रा वालों से यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या साइज देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक में 18 इंच का टायर दे दिया, मतलब 18 इंच का अलॉय दिया ऑटोमेटिक में। हाँ। और अगर आप मैनुअल लेने जाते तो आपको 17 इंच का, ये 17 इंच ही है। तो मतलब यार टॉप मॉडल में भी, हाँ टॉप मॉडल में तो कम से कम देना चाहिए था भाई 18 इंच, क्योंकि वो तो सेम फीचर रखो ना यार। एग्जैक्टली, उसमें हम टायर का क्या वो है रोल, कोई रोल नहीं है। और एक और चीज जो ऑटोमेटिक में मिलती है और इसमें नहीं, जो बीच में आप देख रहे हो वो चार्जिंग पैड मिलता है। हाँ जी, बैक चार्जिंग पैड। हाँ, लेकिन इन्होंने फिर मैनुअल के अंदर ये दो चीजें हटा दी, एक तो अलॉय साइज और एक ये। मुझे बहुत बड़ा इशू लगा था स्टार्टिंग में कि वायरलेस चार्जिंग तो होनी चाहिए भाई, ये तो हाँ यार बेसिक मतलब नेसेसिटी है। तो पैसा ले रहे हो बस ऑटोमेटिक ना लेने पे आप 500 रुपए का भी नहीं होता भाई वो, मतलब अगर बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाने जाओगे तो 500,000 में आ जाता है। नॉर्मली मतलब मतलब वो वैसे लग जाता है कि भाई चार्जिंग वहाँ पे लगा के ना, जुगाड़ू वाला से। अच्छा कंपनी फिटेड चाहिए, उसका मुझे प्राइस नहीं पता, पर इन्हें कितनी कॉस्ट आ जाती है भाई, कुछ नहीं आता, मोटा मोटी ले लो। बाकी भाई ये देख सकते हो भाई काले शीशे करवा रखे भाई ने, तो मुझे बात बताओ एक तो काले स्कॉर्पियो है ना, ऊपर से काले शीशे, तो पब्लिक का रिएक्शन नाइस। थोड़ा लड़की वड़कियों को बताओ भाई, देखती लड़कियां घूम के? भाई मैं तो नहीं देखता लड़कियों को, वो पता नहीं देखती है। अच्छा कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है बात? कैसा लगा मेरा मजाक? कौन बोल रहा है बात? बाकी भाई अब मेन बात पे आते हैं, जो मुद्दे की बात है, 2500 किलोमीटर चलाने के बाद भाई आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी का, क्या कंप्लेंट्स है और क्या आपको लगा कि क्या नेक्सॉन से बढ़िया, मतलब टाटा से अच्छा महिंद्रा ने दिया इस गाड़ी में? तो यार देखो बेसिकली जेन्युइन बताना, अगर आप मतलब नहीं भी दिया तो भी बताना, लोगों को पता चलना चाहिए वो चीज। देखो यार बेसिकली मेरे को, मैं एक छोटी गाड़ी से इतनी ह्यूज गाड़ी पे हूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इसे ड्राइव करते हुए यार, ड्राइविंग प्लेजर इसका बहुत अच्छा है। बट जहाँ मेरे को दिक्कत लगती है वो इसकी गियर बॉक्स में लगती है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का भी देखा है जो मैनुअल गियर बॉक्स है इसका, वो हल्का सा ना मतलब लैग फील करता है, मतलब अटकता है। जब मैंने लेते टाइम पूछा था तो उस टाइम मैंने कहा था, बताता हूँ मैं एक बात बताता हूँ, कई गाड़ियों में ना इससे भी हैवी होता है। अच्छा हाँ जी, यह लग रहा है क्योंकि एक हाथ बैठा होता है ना गाड़ी में। हाँ, ये भी है। आपको लग रहा है, मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता होगा 2500 किलोमीटर के बाद, अब तो आदत हो गई है। और मेरे को, मैं सही बताऊं, मेरे को स्टार्टिंग में ही नहीं लगा था। अच्छा। मेरे को नहीं लगा, मैंने इससे पहले टाटा विस्टा चलाई है डीजल, उसका भी हैवी था। अच्छा। उसका तो बहुत हैवी था, तो बहुत हल्का है फिर भी रिफाइंड है, तो वो चीज है कि हर किसी का ना अपना व्यू होता है। जैसे नेक्सॉन का मेरे को बहुत लाइट लगता था, लाइट लगता था आने पे इसका हैवी लगा। भाई गाड़ी भी लाइट थी ना यार, गाड़ी भारी है, इंजन भारी है, 10 चीजें भारी होती है, तो उस केस में होती है वो चीजें। ये आपके ही यूनिट में नहीं है, ये सारी यूनिट में मतलब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी का एक वो ही है यार। ये मेरे को अपने साइड से प्रॉब्लम लगती है कि मेरे को थोड़ा गड़गड़ सा फील होता है। अच्छा, कंपनी ने जो मर्जी दिया वो तो जो है वो। अच्छा आपको तो भाई कोई, आपको तो कोई लीकेज देखने को नहीं मिली यहाँ से पानी की? उसमें हल्का सा गैप था भाई, उनके यूनिट में ना इतनी दिक्कत आ रही थी। हाँ, इतनी दिक्कत आ रही थी, ऐसा लग रहा है उन भाई की उसमें सारी दिक्कतें डाल दी हैं। और तो इतना बड़ा यूट्यूब आता भाई, हमने तो आपसे सारी शेयर कर दी, हमें गाड़ी की बात लगी है, हमने कुछ ऐसा छुपाया नहीं, कुछ अपनी तरफ से बनाया नहीं, जो जेन्युइन बात थी भाई ने सारी बता दी, जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे, जो एक व्यूअर के मन में होने चाहिए जो गाड़ी देखता है, क्योंकि मैंने भी सोचा कि भाई थोड़ा ना एसयूवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। भाई मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है आजकल हर कोई ही एसयूवीज में जा रहा है। अरे नहीं, हमारा ना फैमिली का भी सीन, अगर सेडान आती है 7 सीटर तो मैं सेडान ले लूँ, 7 सीटर ना आती नहीं है तो मेरा फैमिली का थोड़ा सीन बेटर है। अगर बाहर जाना हो ना तो भाई कैसी भी होनी चाहिए यार। नहीं, वो तो है यार, छोटे टायर में मजा भी नहीं आता हाईवे पर, फिर फंस के जाना, सामान रखने की जगह कम, जब पैसा खर्चना है तो बंदा दबा के खर्चे, वो बात ही नहीं है। बाकी भाई यही पूरी गाड़ी का आप लुक देख लो एक बार, भाई का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने अपने व्यूज शेयर करे हमसे 2500 किलोमीटर के बाद क्या लगा। गाड़ी की लुक देख लो आप एक बार, जो अगर आप शीशे काले करवाते तो ऐसी लुक आएगी। बाकी भाई एक बात बताओ, ये लीगल है जो आपने करवाया? भाई लीगल तो देखो कुछ भी नहीं है ऐसा, लीगल नहीं, शेट्स तो अगर लीगल नहीं है, शीट्स लीगल है। पुलिस वाले ने आपको रोका तो उतरवा देगा, पर फाइन नहीं उस पे कोई, गाड़ी पे नहीं, फाइन हर चीज का ले सकता है, उसके ऊपर है वो, गाड़ी में विजिबिलिटी 100% होनी चाहिए, ये रूल है। नहीं आजकल वो आ गए ना, एक ग्रीन फिल्म आ गई, कुछ ग्रीन या पता नहीं कुछ है ऐसा, जो लगवाओ वो लीगल है। और मेनली पता है मैं अपनी गाड़ी पीछे ही लगा के रखता हूँ शेड्स। अच्छा, पीछे वाली गलत काम करते हो ना, ये फंस गया सी है। अरे तो भाई इस वीडियो में इतना ही था,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। काफ़ी मतलब आप लोगों का सपोर्ट साथ में तभी वीडियोज़ वगैरह ला रहा हूँ मैं। कुछ और अगर आपकी इंक्वायरी गाड़ी के बारे में, किसी और गाड़ी के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, हम नई वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो को जाते हुए लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया 2500 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के बाद। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो और वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।